जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नाम दिए, एक मुकम्मल कश्मकश है जिंदगी। क्या हुआ, कहीं को इतना उदास बैठे हुआ है तू? बीवी से लड़ाई हो गई थी रे, जाओ मैं तुम्हारे से बात नहीं करती हूँ 30 दिन तक, बोल के अम्मा के घर को चले गए। अरे तो माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है, तू कहीं उदास बैठे हुआ है? आज 30वां दिन है रे। अरे देख लियो मामा, चलते रहता जिंदगी है मामा। जो मर्द अपनी बीवी का दुख जुल्म सही के जो रहता ना, उसको जन्नत मिलती। कौन सी जन्नत रे, पाशा भाई की बेटी या खाजा भाई की बेटी? अरे अपनी गली की जन्नत बेगम की बात नहीं कर रहा हूँ रे मैं, वो जन्नत। अरे इसका नाम लिए फोन कर दी, बम डाल के मारे तो भी नहीं मरती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है जी आप, मेरे को लेने नहीं आते? 30 दिन हो गए ना। आ रहा हूँ। जल्दी आओ जी, मैं तुम्हारी याद में 30 दिन में आधी हो गई, अभी कब आते? ऐसा है तो और 30 दिन के बाद आता हूँ तुम्हारी खबर में फूला चढ़ाने के वास्ते। मेरे को मालूम था जी तुम मेरे को लेने नहीं आते बोल के, इसलिए मैं ही चाहिए घर को। घर को तो ताला था ना। दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं बना जो मेरे को रोक सके। लात मार के तोड़ दी मैं। अरे तो ताला तोड़ने की क्या जरूरत थी जी, तो कुंजी मैच थी ना जूते के नीचे। हाँ तो क्या मेरे को खा पड़ता या इलाम होता कौन सी चीज कहाँ है बोल के? तो फोन करना था अभी, करी ना। अलमारी की चाबी कहाँ है बोलो, नहीं तो वो भी तोड़ डालती हूँ। अरे अरे कुछ भी ना को तोड़ो, तुम्हें औरतों की दया, मैं आ रहा हूँ, रुको रुको। हेलो कहाँ है? अरे जी चाबी दियो। अरे अलमारी नको तोड़ो भाई, वो बहुत महंगी अलमारी है। हेलो बेगम, मेरे पास दूसरी चाबी थी, तुम आना बोल के कॉल करी। अरे तुम्हारे चक्कर में मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के आ गया ना जी। चबूतरे पे बैठ के मंदा का मारने को मीटिंग करना नहीं बोलते। चबूतरा सेकने से अच्छा अंडे तो भी सेको, मुर्गियों की दुआ लगती। अच्छा बाय सोते को ये बेडशीट चेंज कर दो, कर्टन्स चेंज कर दो और जाले साफ कर दो, बेड के नीचे से कचरा निकाल दो। अम्मा का कलेजा नको निकालू? पागल बाता कर रहे क्या जी? क्या है भाई एकदम आते की कामा। हाँ फिर पूरे घर को कबाड़ खाना बना के रख दिए तुम, अब तो साफ तो करना पड़ता है ना। अरे तुम नहीं थे तो अच्छा था जी। क्या बोले? मैं बोला तुम तुम्हारी बहन को बुला के कर लो भाई, मेरे से नहीं होता। कहे को नहीं होता, मैं अकेली काम करना बोल के कहा लिखा हुआ है? अरे मेरे को करने में प्रॉब्लम नहीं, ऑफिस के काम कौन करते फिर तुम्हारे चिच्चा करते, पैसे कौन कमाते? पैसे कमा के तुम कोई एहसान नहीं कर रहे। तुम भी घर का काम करके कोई एहसान नहीं कर रहे। अजी पागल आदमी, घर रिश्ते से और एहसास से बनता। अच्छा रेती और सीमेंट से तो जलेबियां बनते नहीं? अजी पागल आदमी, तुम ये टेढ़े बाता करना और बेकारी में फिरना बंद करो। एको बोले तो 2 दिन में रमजान शुरू हो रहा। ऐसा है तो सबसे पहले तुम बंद करो। सुने ये चुगली करना, गीबत करना, ये वो सीरियल देख लेते बैठना, वो सब पहले तुम छोड़ो फिर हमार को बोलो, समझे? कई को बोले तो रमजान मगफिरत का महीना है। ऐसा तो तुम पहले अपना सोचो ना जी गुनेगार इंसान। बेजबान को जब जबान देता है तो पढ़ने को कुरान देता है, बख्शिश पर जब आता है उम्मत के गुनाहों की तो तोहफे में गुनेगारों को रमजान देता है। तुम जैसो को रमजान के साथ साथ थोड़ी शर्म, थोड़ी हया, छटाक अक्कल भी देना। बेगम तुम्हारे को मालूम रमजान में अल्लाह ताला शैतानों को, इबलीसों को, रक्कसों को, चुड़ैलों को कैद कर लेता। अच्छा है ना, फिर रमजान के महीने में मेरे को आपसे छुटकारा मिल जाता। उठो जी घर साफ करेंगे, उठो। एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारे को साफ करता हूँ बेगम, देख लो तुम। उठो जी, क्या तो ये बड़बड़ा रहे, उठो तुम, उठो साफ करने चलो, ये बेडशीट निकाल, उठो बेडशीट निकालना। हाँ
अजी अजी हेलो जी, लियो ये सोफा सेट निकालो। लियो। तुम क्या तो भी है जी, ये तुम मेरे उल्टा काम बढ़ा दे रहे। तुम जान दो जी, जान दो, तुम छोड़ो, तुम जाओ, मैं कर लेती हूँ काम। काम करे तो ऐसा करना, चार लोग बोलना सबसे करो रे भाई, इससे नक्को बोल के समझे। अजी भूख से मेरे को सर दर्द हो रहा, ऊपर से मेरे को गुस्सा नक्को दिलाओ। क्या कर लेते, क्या कर लेते? अगर मेरे को गुस्सा आया, बाथरूम साफ कर देती हूँ। देखो कैसा साफ करते, घर में बाथरूम साफ करने का ब्रश तो है नहीं। तुम्हारा ब्रश तो है ना? हेलो जी 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 जी, नु घर पे, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा आपको मदद नहीं करना तो आप जा सकते हैं, जाके आराम कर लो, मैं अकेले ही कर लेती हूँ। कौन थे फोन पे हो? कोई भी नहीं। अच्छा पागल औरत, ऐसा कहीं उपकार है जैसा कि शेर आ गया, फुंसिस तो है ना, आते जाते रहती, उसका क्या है? नहीं नहीं नहीं, ब्लीच कराना पड़ता, फेशियल कराना पड़ता। हाँ अर्ज किया है, अर्ज किया है। इरशाद इरशाद, मेरे महबूब के चेहरे पे दाने निकल आए हैं। वाह 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 वाह, मेरे महबूब के चेहरे पे दाने निकल आए, पहले से वो चांद था, अब सितारे भी निकल आए हैं। अजी मेरे चेहरे का मजाक नको बनाओ, तुम जरा कोना पकड़ के बैठो, मैं घर साफ कर लेती हूँ, फिर अपन बैठ के शायरी शायरी खेलेंगे, ठीक है? फोन पे किससे बात कर रहे थे होंगे बेगम? एक महीने से अम्मा के घर में थे तो कहीं दूसरे पोटे से तो, इसका पता तो मैं आज रात में लगा के रहता हूँ, बस रात का इंतजार है। इसमें तो किसका भी नंबर नहीं बता रहा, बहुत चालू दिख रही है, कॉल हिस्ट्री भी डिलीट कर दी शायद। क्या हुआ जैसा मुंह लटका के बैठे? जरा तुम्हारा फोन दी। कह को तुम्हारा फोन कहाँ है? चार्जिंग पे है जी, अंदर रूम में, जरा दियो। अच्छा गूगल करना है। तुम्हारे व्हाट्सएप को लॉक किको है? पहले तो नहीं था ना? वो अम्मा कन गई थी ना, तो वहाँ पे छोटे बच्चे मेरा फोन ले रहे थे बात बात पे, तो मैं लॉक कर दी। अच्छा अच्छा, पर तुम गूगल करने के वास्ते फोन लिए ना, व्हाट्सएप कह को चेक करे मेरा। वो गलती से दब गया जी, गलती से ऐसा दब गया बटन। ओके ओके, व्हाट्सएप को लॉक और कॉल हिस्ट्री भी क्लियर है, मतलब दाल में कुछ काला है।
आज रात में बेगम का पर्दाफाश करना पड़ता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सीरम लगाने से आपकी जी सो जाओ जी, सहरी के लिए फिर जल्दी उठना है। जरा एक गिलास पानी दो। एक गिलास ला रही हूँ। अरे इतनी रात को क्या कौन काम आ करते रहे भाई, रमजान में भी सुकून नहीं है लोगों को। सो जाओ। अब रात में फोन आया तो मालूम हो जाता कौन फोन कर रहा और कौन बहन का भाई है। आज तो बेगम को बेवफा साबित करके च रहता हूं। बेगम को फोन कैसे आया? उसकी सिम तो मेरे फोन में है। मैं सो के उठा था, बेगम सिम बदल दी है क्या? बेगम की सिम तो मेरे फोन में है। अच्छा तो बेगम मेरा नंबर दिए होंगे वो पोटे को। बेगम आज तो तुम गए जी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। सबसे पहले आप सब लोगों को, आपको पूरी फैमिली को, हमारी टीम गोल्डन हैदराबादी की तरफ से रमजान मुबारक इन एडवांस। तो गाइस आई नो कि आप लोगों की, हमारा बेगम का सीजन हमेशा अच्छा दिखता है। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, वायरल करो और हमारे चैनल गोल्डन हैदराबादी को सब्सक्राइब करो। या और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स आने वाले हैं, उनको फॉलो करो। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे विद नेक्स्ट एपिसोड।